दोस्तों, आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड तो आप सभी जानते ही होंगे। जिनका भी गोल्डन कार्ड बना होता है, उन लोगों का 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में सरकार द्वारा किया जाता है। देश में ऐसे कई सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर यह सुविधा उपलब्ध है। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उनके लिए सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने फ़ोन से ही आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करके अपना कार्ड बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन त्यागी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पर हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गोल्डन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। ये मैंने क्रोम ओपन कर लिया। इसमें गूगल पर सर्च करते हैं PMJAY.gov.in। इसको हमें सर्च करना है। तो ये हमारी जो है वेबसाइट खुल के आ गई गोल्डन कार्ड की। इसको हम डेस्कटॉप साइट पे कर लेते हैं। दोस्तों, ये वेबसाइट खुल के आ गई है। अब इसमें बाईं तरफ ऊपर मेन्यू है, 3 लाइनें बनी हुई हैं, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इसमें ऑप्शंस बहुत सारे खुल के आ गए हैं। इसमें आप ये देखिए, यहाँ पे पोर्टल में लिखा हुआ है ये आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS-2। इस पर जो है क्लिक करना है। ये हमारा जो है रजिस्ट्रेशन का खुल के आ गया है। एक बार फिर से इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप पे हो गया। उसके बाद इसमें 3 प्रोसेस में हमारा आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर DU और KYC करना पड़ेगा। उसके बाद कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालनी है। तो दोस्तों, ये रजिस्टर एज सेल्फ यूजर का फॉर्म खुल के आ गया है। इसमें सबसे पहले हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। मेरा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, ये मेरा हो गया बाराबंकी। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और ये यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पे नाम डाल देना है और जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे जो है डायरेक्ट नहीं इंटर कर पाएंगे, यहाँ पे जो एरो बना हुआ है इस पर बार बार क्लिक करके तब सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ सेट कर देंगे तो डेट ऑफ बर्थ पड़ जाएगी। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद तो चलिए, फ़िलहाल मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से हो गया है तो इसलिए मैं अब लॉगिन पे चलता हूँ। तो दोस्तों, अब लॉगिन करने के लिए ये दाहिनी तरफ 3 लाइनें बनी हुई हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये आ गया रजिस्टर एंड साइन इन, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, उसके बाद जो है साइन इन करने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर लिखा हुआ है और एक सेल्फ यूजर लिखा हुआ है। तो ऑपरेटर होता है जो CSC वाले होते हैं उनके लिए होता है, तो हमें अपना सेल्फ यूजर पे करना है। इस पर करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये OTP आएगा मेरे रजिस्टर नंबर पे, जो अभी मैंने रजिस्टर किया था। तो वो OTP इसमें डाल के फिर साइन इन करेंगे। तो अभी OTP आता है, जब तक तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा OTP आ गया है, मैं OTP इंटर कर लेता हूँ।
ये OTP मैंने एंटर कर दिया है, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करते हैं और ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले ये सिलेक्ट स्टेट लिखा हुआ है तो स्टेट सिलेक्ट करते हैं, मेरा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद सिलेक्ट स्कीम लिखा हुआ है तो स्कीम में हमें नाम सर्च करना है, क्योंकि जिसका गोल्डन कार्ड बनाना है आयुष्मान कार्ड तो उसको हम सर्च कैसे करेंगे, तो उसमें एक तो है अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, और मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राशन कार्ड। तो मैं फ़िलहाल अभी राशन कार्ड से सर्च करता हूँ, ये राशन कार्ड डाल दिया, उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ बाराबंकी, और उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालना है तो मैं राशन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों मैं राशन कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, ये राशन कार्ड नंबर डाल दिया मैंने। अब गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं, ये लिस्ट मेरी खुल के आ गई है इस राशन कार्ड से, जितने नाम हैं सारे नाम दिख रहे हैं, और इधर इसमें जितने हैं उसमें एक कंप्लीट लिखा हुआ, जो यानी कि 7 लोगों का नाम इसमें पड़ा हुआ है, 7 में से सिर्फ एक जो पहला नाम है उसका गोल्डन कार्ड बना हुआ है, बाकी किसी का भी नहीं बना है। तो भी इन 7 में से मुझे एक का गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो मैं जो है ये दूसरे नंबर पे है, इसका मुझे जो है गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो ये 2 नंबर पे जो है इसके बगल में मुझे क्लिक करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ कार्ड नॉट मेड, उसके बाद व्यू, तो व्यू पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा पेज लोडिंग लेता है, उसके बाद ये खुल के आ गया, यहाँ पे नाम लिख के आ गया और जेंडर बाराबंकी और गार्जियन नेम, माता का नाम और स्टेट, ये सब कुछ लिख के आ गया है, ये हमें चेक कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ लिंक योर आधार, अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे हमें अब डिटेल अपनी डालनी है, तो एक तो जैसे सेम एज राशन कार्ड अगर डालना है तो वैसे कर सकते हैं, वरना मैनुअल में डालेंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे आधार कार्ड में और उसमें थोड़ा सा नाम चेंज है, तो इसलिए मैं मैन्युअली डालता हूँ, सेम एज राशन कार्ड नहीं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद नाम डालते हैं, ये मैंने नाम डाल दिया, उसके बाद गार्जियंस नेम इसको डालते हैं। दोस्तों मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों सारी डिटेल मैंने फिल कर ली है, अब उसके बाद जो है आई एग्री विद आधार शेयरिंग, इस पर चेक मार्क करते हैं, ये चेक मार्क लग गया। अब उसके बाद गेट OTP पे करते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शन दे रहा है लेकिन अब हमारे पास मोबाइल से कर रहे हैं तो इसलिए गेट OTP पे करेंगे, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद अब जो नंबर इसमें डाला गया है उस पर एक OTP जाएगा और उस OTP को इसमें फिल करना है, तो चलिए OTP इसमें डालते हैं। तो दोस्तों OTP मैंने फिल कर लिया है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये मेरी डिटेल खुल के आ गई है EKYC के लिए। अब एक बार मैंने इसको चेक कर लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों ये पूरी डिटेल खुल के आ गई है, यहाँ से बेनिफिशरी डिटेल, राशन कार्ड और उसके बाद डिक्लेरेशन डिटेल और उसके बाद EKYC डिटेल इन आधार, 3 चीज़ें दिखा रहा है मैच करने के लिए। तो हालांकि इसमें नाम में थोड़ा सा मिसमैच है तो इसलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, अगर सब कुछ सही रहता है तब तो 100% बन जाएगा, बट इसमें नाम में थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसलिए हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, और हो सकता है कि अगर एडिट वो लोग करके बना देंगे तो हो सकता है बन भी जाए। तो चलिए मैं लास्ट फाइनल स्टेप करता हूँ,
तो ये चेक बॉक्स है नीचे, आई हेयरबाय डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स किया। उसके बाद इसमें एक कैप्चा डालना है जो दिख रहा है, ये कैप्चा डाल देते हैं, एस एट और ये एम टी एफ वन, ये मैंने कैप्चा डाल दिया है। उसके बाद अब हमें फाइनल सबमिट पे करना है, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने सबमिट कर दिया, ये जो देखिए दोस्तों ये लिख के आ गया, बेनिफिशरी हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर आयुष्मान कार्ड रेफरेंस आईडी। इसको हमें सेव करके रख लेना है, ये स्क्रीनशॉट में ले लेता हूँ एक, क्योंकि आगे चेक करने के लिए ये काम आएगा, अब हमारा बना है या नहीं बना है तो इससे हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ये जो है अप्लाई हो चुका है, और उसके बाद अब देखते हैं कितने दिन में बनता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा कि बनने के बाद में डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।